चलिए आगे बढ़े, आज की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। पंजाब के गुरदासपुर में कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करतारपुर गलियारे की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को पाकिस्तान की तरफ बनने वाले करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास होगा, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान के खास मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। करतारपुर में गुरु नानक देव ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त बिताए थे, इसीलिए इस जगह का सिखों के लिए विशेष धार्मिक महत्व है। भारत जो करतारपुर कॉरिडोर बनाने जा रहा है, दरअसल वो करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान के नरोवल जिले में है, और भारत जो कॉरिडोर बना रहा है दरअसल वो पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक जगह है, जहां पर डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है, वहां से पाकिस्तान सीमा तक ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। एबीपी न्यूज की टीम निकली है उस कॉरिडोर का जायजा लेने, जिसका सपना कई दशकों से लाखों सिख श्रद्धालु देख रहे थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिखों के सबसे अहम धार्मिक स्थलों में से एक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तब से भारत में रह रहे सिख श्रद्धालुओं की मांग रही है कि गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से पाकिस्तान के नरोवाल जिले में मौजूद करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक एक कॉरिडोर बने, ताकि वहां जाकर लोग दर्शन कर सकें। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का श्रद्धालुओं के लिए क्या महत्व है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से हो जाएगा। भारत में जितने भी सिख श्रद्धालु हैं, वो करतारपुर साहिब, जो कि पाकिस्तान में एक पवित्र तीर्थ स्थल है सिखों का, उसके जो दर्शन करते हैं दरअसल वो इस टेलीस्कोप के जरिए करते हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज भारत पाकिस्तान सीमा पर उसी जगह पर है, डेरा बाबा नानक में, जो आखिरी पोस्ट है बीएसएफ की भारत की, और यहां से करतारपुर साहिब जो कि गुरुद्वारा है, सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है, 4.5 किलोमीटर है इस फेंसिंग के आगे, यानी कि कटीली तारों के आगे, उधर पाकिस्तान की सीमा है। तो वो अभी तक सिख श्रद्धालु हैं, वो इस टेलीस्कोप के जरिए दर्शन करते हैं, लेकिन अब जल्द ही आवाजाही हो सकती है सिख श्रद्धालुओं की करतारपुर साहिब में, क्योंकि भारत ने ऐलान किया है कि यहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाएगा। रिश्तों में तनाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने के फैसले पर मोहर लगा दी। 28 नवंबर को पाकिस्तान में कॉरिडोर पर काम शुरू करने की आधारशिला रखी जाएगी। पाकिस्तान के कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। दो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी भी पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने कार्यक्रम के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी न्योता दिया था, लेकिन दोनों ने अलग अलग वजहें बताकर पाकिस्तान के कार्यक्रम से दूरी बना ली। लेकिन पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इस मौके को चूकना नहीं चाहते। इमरान खान ने उन्हें कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा है। 75 साल से लोग कह रहे थे बहुत देर कर दी मेहरमान आते आते, तो दुरुस्त आए, बिल्कुल आए, और इस बात का मतलब सराहनीय है ये स्टेप, क्योंकि देखिए ये कॉरिडोर इज अ कॉरिडोर ऑफ पीस, अमन अमान का रास्ता खोलेगा ये। भारत सरकार की प्रस्तावित योजना के मुताबिक सरकार गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक एक गलियारा विकसित करेगी, ताकि श्रद्धालु पूरे साल इस पवित्र तीर्थ स्थान के दर्शन कर सकें। इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इसी तरह की सहूलियतें अपनी तरफ भी तैयार करने का आग्रह किया है। करतारपुर कॉरिडोर बनने की खबर ने श्रद्धालुओं को उत्साह से भर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करतारपुर साहब बचपन में आया जाया करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी ये तमन्ना अधूरी रह गई, लेकिन अब ये आस ये साध एक बार फिर पूरी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीवान सिंह जी हैं। दीवान सिंह साहब, क्या उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल है। हाँ जी। तो पहले बचपन में आप जाते थे करतारपुर? एक बारी। अच्छा। हाँ जी। तो उस समय की क्या उम्र थी आपकी जब गए थे? उसकी छोटी उम्र थी। क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल है। ये करतारपुर साहब का रास्ता नया खुल रहा है। बधाई होवे।
आप बचपन में कभी गई वहाँ? ना ना ना। वाहे गुरु जी के खालसा की फतेह, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पहाड़े, सर बच की भला टेक टेक फतेह सारे मैदान फतेह। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के उलझे इतिहास में ये पहला मौका है जब दोनों मुल्क वीजा मुक्त आवाजाही के किसी प्रस्ताव पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।